हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद साक्षी। मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी और आज हम लोग बनाना सीखेंगे साबूदाने का कटलेट। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनता है दोस्तों। और इसको आप सॉस के साथ और इसको आप व्रत में भी बना सकते हैं बिल्कुल आराम से। सिर्फ मैं जो चाट मसाला इसमें डालूँगी वो आप स्किप कर सकते हैं। और व्रत के लिए भी बहुत टेस्टी नाश्ता है ये दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ, इसको मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, तो ये एक हेल्दी स्नैक्स है और आप बनाइएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो साबूदाना कटलेट बनाने के लिए दोस्तों हमने ये तीन बड़े साइज़ के या मीडियम साइज़ के उबले आलू ले लिए हैं और उसको मैंने मैश कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो उसको मैश करके अच्छे से मैश करिएगा दोस्तों। और ये मैंने साबूदाना लिया है वाइट वाला, आप देख सकते हैं जो थोड़ा बड़ा वाला होता है, उसको मैंने 3 घंटे भिगा के रख लिया था और मैंने छान के रख लिया है। साबूदाने का दोस्तों 2 से 3 घंटे भिगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए किस तरह से फूल गया है साबूदाना। अब हम इस साबूदाने को इस मैश आलू में हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने दो हरी मिर्च बारीक काट के ले ली है और हाफ़ मैंने लेमन ले लिया है। ये मैंने अदरक, थोड़ी सी अदरक ले ली है। और ये मैंने चाट मसाला लिया है 1/2 टीस्पून। अब इन मसालों को हम एक एक करके इसमें हम मिला लेंगे साबूदाने में। हरी मिर्च हमने डाल ली और ये चाट मसाला। दोस्तों आप अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलाना चाहें, हरी धनिया है या और भी कुछ मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। अब मैंने तो अदरक से टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों, तो आप डाल के देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अब मैं इसमें थोड़े मसाले मिलाऊँगी दोस्तों। अगर आप व्रत के लिए, ये मैंने लाल मिर्च मिलाया, अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो जो इसमें नहीं आप खाते हो व्रत में वो मत डालिएगा। ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला मिलाया है 1/2 टीस्पून या 1/4 आप मिला सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें नमक मिलाऊंगी। नमक आप अपने स्वादानुसार मिलाइएगा दोस्तों। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून मैंने नमक मिला लिया है। अब मैं इसमें 1/2 लेमन स्क्वीज़ करूँगी, ये आप देख सकते हैं, ये मैं लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ। लेमन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों, और आप लेमन ज़रूर डालिएगा अगर हो तो। और आप हरी धनिया डालना चाहें तो हरी धनिया भी आप डाल सकते हैं। अब इस स्पैचुला के हेल्प से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने मिक्स करके रख लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली है तो आप उसको भी डाल सकते हैं इसमें दोस्तों। मैं भूल गई थी तो मैंने डाला नहीं, और आप डालिएगा, उससे भी टेस्ट, उससे और टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसको हम एक टिक्की का आकार देंगे, ये आप देख सकते हैं, ऐसे गोल सा बना के उसके बाद थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो एक टिक्की का आकार हो जाएगा, जैसे आलू की टिक्की होती है उस तरह से। आप शेप कोई भी दे सकते हैं जो आपको पसंद हो इस तरह से। आप देखिए मैंने सारे साबूदाने कटलेट बना के रख लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और आप इसमें दोस्तों मूंगफली ज़रूर डालिएगा भुनी हुई, तो और टेस्टी लगेगा। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने सारे बना के रख लिए हैं। अब हम इसको तवे पे शैलो फ्राई करेंगे दोस्तों। तो ये हमने तवा चढ़ा लिया है अब, और इसमें हम ऑयल लगाएंगे पूरे तवे पर। ये देखिए ऑयल है, ये आप अगर व्रत में यूज़ कर रहे हो तो जो भी ऑयल आप व्रत में लेते हो या देसी घी लेते हो उससे कर लीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल डेज़ में आप नॉर्मली जो ऑयल यूज़ करते हो वेजिटेबल ऑयल उससे आप कर लीजिएगा। ये देखिए मेरा तवा गर्म हो गया है, मैंने तेल पूरा अच्छे से तवे पे लगा लिया है। अब मैं टिक्की को एक एक करके तवे पे रखती जाऊँगी जितनी आ सकती हैं इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। तो थोड़े सा स्पेस रख के मैं रखूँगी ताकि पलटने में आराम रहे। और फ्लेम दोस्तों मीडियम रखिएगा, लो टू मीडियम रखिएगा, क्योंकि पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और इस तरह से मैंने कटलेट रख लिया है। तो मैंने लगभग 5 कटलेट रखे हैं इस पे, और इसको मैं अब
गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। ये देखिए शैलो फ्राई करूँगी मैं, हल्का हल्का ऑयल साइड साइड में आप थोड़ा सा डाल लीजिएगा ताकि चिपके ना। तो इस तरह से मैं हल्का हल्का ऑयल डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से, और बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है दोस्तों, आप बनाइएगा। और व्रत के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और डीप फ्राई नहीं होता है तो सही रहता है हेल्थ के लिए भी। और स्पून की हेल्प से आप थोड़ा सा ऑयल लेके ये जो कटलेट है इसके ऊपर लगा दीजिएगा, ताकि पलट जब आप पलटेंगे तो उस पर ऑयल थोड़ा सा रहेगा तो चिपकेगा नहीं दूसरी तरफ से भी। तो ये मैंने ऑयल सारे कटलेट पे फैला लिया है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से पूरे पे फैला लिया है मैंने। और अब मैं पलटूंगी उसे, ये देखिए मैंने लो फ्लेम रखा है तो लो फ्लेम पे ही बनाइएगा। ये देखिए मैंने टिक्की को पलट लिया है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है। और इसी तरह का गोल्डन ब्राउन दूसरी तरफ भी करेंगे, और बिल्कुल हमारा साबूदाना कटलेट बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए बन के तैयार हो गया है, और अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे हम, ये देखिए इस तरह से। तो बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों, आप ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। मैंने इसको सॉस के साथ सर्व किया था, आप अगर हरी चटनी के साथ सर्व करना चाहें तो आप उसके साथ भी कर सकती हैं। तो दोस्तों प्लीज़ बताइएगा मुझे कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपना एक्सपीरियंस भी मुझे बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, और भी मैं अपनी रेसिपीज़ लाती रहूँगी इसी तरह से। और मेरे स्किन केयर और प्रोडक्ट रिव्यूज़ आप ज़रूर देखिएगा, और वीडियोज़ मैं आई बटन पर लिंक्स दे दूँगी, तो और वीडियोज़ देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय।